नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार तेज होती जा रही। दिन ब दिन ये कोरोना अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रही। देश में कोरोना वायरस से हालात बदतर हो रहे। कहीं अस्पताल में बेड नहीं है तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। आलम यहां तक आ गया है कि कोविड से मरने वालों के लिए कब्रिस्तानों और शमशानों में जगह तक कम पड़ रही। कोरोना ने पिछले 24 घंटों में फिर अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शनिवार को सर्वाधिक रिकॉर्ड 2,34,000 से ज्यादा मरीज मिले। पिछले 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड 1,341 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में सर्वाधिक रिकॉर्ड 2,34,692 नए कोरोना मरीज सामने आए। इसी के साथ देश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 14,52,06,609 पहुंच गई। बीते 24 घंटों में 1,341 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। इसी के साथ कोविड से मरने वालों की संख्या 1,75,649 हो गई। जब से कोरोना वायरस ने भारत में दस्तक दी है, तब से लेकर अब तक एक दिन में मिले नए कोरोना मरीजों की ये सर्वाधिक संख्या, जबकि पिछले 7 महीने में एक दिन में जान गंवाने वालों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार की सुबह 8 बजे तक देश में एक्टिव केसेस का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों में 1,23,354 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। इसी के साथ देश में अब तक 1,26,71,220 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हुए। रोजाना के आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या करीब आधे से भी कम। फिलहाल देश में एक्टिव केसेस बढ़कर 16,79,740 पहुंच गए। 15 फरवरी के बाद देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही। 15 फरवरी से पहले देश में 2,00,000 के करीब एक्टिव मामले थे। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन मिशन चल रहा है। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण चल रहा है, जिसके तहत 45 साल से ऊपर वालों को भी कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। देश में अब तक 11,99,37,641 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है।